जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुधवार को राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया था। इस फैसले का कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया। गुरुवार को इस मुद्दे को लेकर गवर्नर मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं लगातार यही कहते आ रहा हूं कि राज्य में चुनाव के साथ नई सरकार बननी चाहिए। पिछले 15 दिन से लगातार विधायकों के खरीद फरोख्त की खबरें आ रही थी, जिसके कारण यह फैसला लेना पड़ा। उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि एनआईए के डर से उनके विधायकों को डराया जा रहा था। दूसरे पक्ष ने कहा था कि उनके विधायकों को पैसे का लालच दिया जा रहा था। इन्होंने निकाय चुनावों का विरोध किया था। यह गठबंधन पूरी तरह से अवसरवादी था, इसलिए मैंने ना इधर की सुनी और ना उधर की सुनी और विधानसभा को भंग कर दिया। राज्यपाल ने कहा कि अगर मैं बीजेपी हेडक्वार्टर की बात मानता तो सरकार बनाने के लिए उन्हें बुला लेता। यही कारण है कि किसी को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग मेरे इस फैसले का विरोध कर रहे हैं वो खुद यह चाहते हैं कि विधानसभा भंग हो जाए। अगर वो कोर्ट जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। गौरतलब है कि बुधवार शाम को महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी के 29, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 और कांग्रेस के 12 विधायकों को मिलाकर 56 विधायकों का समर्थन हासिल करने का दावा करते हुए सरकार बनाने की पेशकश की थी, जिसके बाद सत्यपाल मलिक ने विधानसभा भंग करने का फैसला किया। निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।